stages, or rather the last match of the Pool A matches, I should say, to make sure from fifth they go on to Harshit. Good strategy from NA Academy to rest. 28 और जैसा हमने पहले ही बताया, पूल ए चैलेंजर राउंड का ये अंतिम मुकाबला, कल से पूल बी चैलेंजर राउंड की शुरुआत हो जाएगी। बहुत सारी वहां आपको टीम्स खेलती हुई नजर आएंगी, बट इस मैच का रेलिवेंस इसलिए भी खास है नवीन, क्योंकि अगर यहां पर मुकाबला जो है वो नेल्ली किंग्स जीता तो वो टॉप फोर में अपनी जगह बना लेगा। जैसा आपने सही बताया कि टाई के लिए भी उनके लिए काम चल जाएगा, क्योंकि उनका स्कोर डिफरेंस अच्छा है। अगर वो 3 अंक भी प्राप्त करते हैं इस मैच से तो भी उनके लिए वो कार्य सही हो जाएगा टॉप फोर में जाने का। Look at that, NA Academy with 23 points and they also have a positive score difference. Even if they lose this match, they will be slipping down to the fourth slot only. And because Kattupudi Sports have a negative score difference of minus 26, they will go down if Nelly Kings win this. And Guhan says, I have attacked the right cover. He's got his man. Kannan Ramachandran does not go back in time there, Harshit. बिल्कुल यहाँ पर पॉइंट मिलता हुआ, एक अच्छा शिकार बनाया, अच्छी किक वहाँ पर टोटा चाप कहेंगे लगाने की कोशिश थी, और राइट कवर बिल्कुल समझ नहीं पाया कि कितने, एक बात करते हैं हम आपसे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा फ्रंटल ब्लॉक्स नहीं देखे हैं, साइडवेज ब्लॉक यहाँ पर तमिलनाडु क्लब्स वेलमल युवा कबड्डी सीरीज जो जा रही है उसमें हमने अक्सर टीम को, किसी भी डिफेंडर को पूरी तरह से एंगल को कट करते हुए नहीं देखा है। यहाँ पर क्या प्रॉपर टच किया है, क्या स्पीड है, और गुहान गन ब्लेजिंग रेडर वहां पर नजर आ रहे हैं। बहुत ही रेस्पिलेंट अटैक किया था राइट कॉर्नर पर, और वो अटैक इतना शानदार था कि शायद बिल्कुल पता ही नहीं चला यहाँ पर कि क्या वो टच है या नहीं। Yeah, and again, see, this is the third point that he's got. He's always attacked that right corner, right in or right corner. See, that conversation is a good one. You know, when you say, where is the team actually trying to place themselves? That is what is really an important factor, Harshit. You know, where we've seen so many players, especially in the classic Kabaddi. And now see again the fourth point, again attacking the right corner. Whoever is standing there, oh God, has some heart of steel. Kannan Ramachandran again attacked. So why is there no frontal block? Is because of that ringa ringa motion. But because his skill, fabulous. When you're slanted, what, 45 degrees already, how can you stop a running train? Ah, come on, this is bad. Manigandan. स्ट्रगल कर रहे हैं अरुण कुमार, अरुण मुगम वहां पर बिल्कुल स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से रेडर थोड़ा सा उन्हीं की तरफ गए थे, और यही हम बातचीत कर रहे थे नवीन की, जब रेडर आपके से अपोजिट एंड पर जा रहा हो तो कब आपको टाइम लगानी होती है, और पिछली बार परफेक्ट फ्रेम हमें दिखा था, परफेक्ट टाइमिंग देखने को मिली थी, उस बार फ्रेम भी उस पोजीशन समथिंग लाइक दैट। द प्लेयर्स नीड्स टू अंडरस्टैंड, सी कबड्डी अगेन इज एंगल्स गेम, एज देयर इज अ, ओह लुक एट दिस, आई थिंक हू इज गेटिंग रेडी, आई थिंक, oh no, it's not Dhanshekar, it's Gautam Mathiswaran on the other side getting ready, but forget Gautam Mathiswaran, Ranjit Ponlingam has been tackled here, super and goodies goodies super tackle NA Academy. बेहतरीन अटैक, गुडीज गुडीज सुपर टैकल इस बार नजर आता हुआ एन एकेडमी। और यहां पर हेलो सर, सर प्लीज 55, किसी बुलाया जा रहा है वहां पर, शायद को वार्निंग दी जा रही, बट अच्छा अटैक इस बार। फिर से थोड़ा सा रनिंग करते हुए राइट कॉर्नर की तरफ आए थे रेडर, अच्छी डाइव वहां पर आपको नजर आई। नेवर अ बोनस विनिंग कैंडिडेट फॉर मी दिनेश कुमार कृष्णमूर्ति, दिस इज टफ, बट इफ देयर इज एनीथिंग दैट ही कैन डू इज ओनली अटैक द कवर्स। ओह देयर ही स्लिप्स, he slips, and yeah, 7-2 or 8 points in the overall edition, but here a diving angle hold. After doing with no team who is firing these graphics. यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन अटैक, अच्छी डाइव वहाँ पर आती है। Patient is a little tricky for me. बिल्कुल ट्रिकी होने वाला है साबित, पीर अजीत इस बार रेट पर आए, दीपक सरकार जरूर डिफेंडर है। ओ ये क्या था, बिल्कुल डबल था ये होल्ड कह लीजिए, आप इसे कह लीजिए कि पूरी तरह से ब्लॉक कर रख दिया रेडर को दीपक सनगर, और भरत वहां पर मौजूद है, और बहुत ही कमाल का अटैक, ऊटीज गुडी सुपर टैकल नंबर 2। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड विद रंजीत पोनलिंगम, फ्रंटल ब्लॉक एंड रंजीत पोनलिंगम उन्होंने स्ट्रगल में इन्वॉल्व नहीं हुए, और जब पिछली बार वहां पर भरत एस रेट पर आए थे तो वो बिल्कुल लॉबी में चले गए बिना टच के, जो कि वहां पर अलाउ होता नहीं है किसी भी रेडर के लिए, तो रेड वहीं पर समाप्त हो गई। 12-8 का स्कोर, 2 खिलाड़ी से 4 खिलाड़ी तो ऑलरेडी आ चुके हैं मैट पर नवीन। या करेक्ट, और रनिंग किक, ही गॉट इट, दीपक शंकर डस नॉट गो बैक इन टाइम,
है रंजीत मोहन अर्षित आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वन पॉइंट टॉप फोर में या फिर टाई में भी वहां पर काम चल जाएगा। अब डू ऑर डाई रेट पर आए हैं। पिछली रेट पी रंजीत ने एमटी लगाई, वो डू ऑर डाई रेट जिसके बारे में बात कर रहे थे। रंजीत मोहन मौजूद है, क्या एक और बार किक लगाई जाएगी? बिल्कुल मिडल प्लेयर पर, लेफ्ट इन पर जाकर वहां पर किक लगाई, शानदार किक थी और रंजीत मोहन ने इस बार तीन के हाउस को तोड़ा। हर्षित ही इज अटैक द व्हेल विद अ स्मॉल लिटिल फिशिंग नेट। लुक एट दैट, इट्स आर गुहान who's been attacked. What a lovely back kick that is, because you can't stop Duo Dairet. He's very clearly said, don't allow the bonus to go away, try and stop the bonus, but then when you go back to raid, we really desperately need the all out in the washout board or not. That's what he said. 31 Duo Dairet points in the entire YKS editions, and he's got the experience, and make that 32. Wow, Jerin Samuel Ball cannot stop Dhanseka. He's come out of the bench, Ashit, into the grinder, and look at what he's grinded out. Category sports are a better side because they have few very, very good players in their side. We'll speak about that as NA Academy currently are leading it, and it'll be a happy time. That means Mudal Muttam is the first kiss. Of course, the first kiss always is from the mom. Oh, very touching, very... right, we need to get the thoughts back to come into the match as Stanley Pakiraj, I think, has got a hand touch. But look at Basanti, the mother of one of the players. And Naveen, heart-touching, very emotional. And in terms of the mother, as much as we say, and the whole life, maybe the mother's word, जो अर्थ भी हम बताने लगे तो शायद वो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा, और उसका अर्थ शायद बताना हमारे लिए वो किसी भी कवि के लिए, किसी भी बड़े से बड़े कवियों ने यही कहा है कि उस शब्द को रिप्रेजेंट करना, उस महा शब्द में बहुत कुछ है। अभी एम धनसेकर के अगर आप ओवरऑल पॉइंट्स देखें तो 40 टच पॉइंट्स है, 5 बोनस पॉइंट है, 57% स्ट्राइक रेट है, और ये अंक और बढ़ रहे हैं। ये 46वां अंक बहुत खास है। एक बार फिर से राइट कॉर्नर से गलती हुई, दूसरी बार हमने देखा है कि धनसेकर को टच पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं, एनए अकेडमी को ऑल आउट की तरफ नहीं धकेल पा रही है। संजय ராஜன் who was his mom அம்மா நம்ம சொன்ன மாதிரி கவலையே படாதீங்க, தம்பி நல்லபடியா வந்துருவாப்ல, டோன்ட் வரி, we are here to take care of all the players. I mean, all, of course, all the moms will really be concerned, but don't worry. बिल्कुल, चाहे मैं दुनिया की हर अर्शित टाइम रनिंग आउट नवीन तो भी निश्चित तौर पर आए तो ये पूछेंगे कि पक्का वो ठीक है या नहीं है आप, बट यहाँ एम धनसेकर को अब शिकार बना लिया गया। एक बहुत ही अच्छी डाइव यहाँ पर नजर आई। पिछली बार जेरिन जो है वो फ्रंटल ब्लॉक होने करने गए थे, बट इस बार जेरिन ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। टू सिस्टरली फील विल कम ओनली फ्रॉम योर ओन सिस्टर, दैट्स ऑल, बट अ मदर, इवन समवन एल्सस मॉम, यू विल गेट द सेम फील ऑफ व्हाट यू गेट ऑन योर मॉम, इजंट इट? I don't think even the dad feel is like that. I'm sorry, dads. I'm really sorry for that. It's 2 points here. Bharat Sanku has garnered two points. First the ankle hold and then the small little kick. Because of that kick, he's held on to his ankle. हल्का सा पर वो एंकल्स में क्या ट्विस्ट आया है, जब बचने जा रहे थे सबसे पहले एंकल होल्ड का प्रयास किया, दीपक शंकर थोड़ा दूर से अटैक करने चले गए थे, यहां एक अच्छी किक भी लगाई थी अरुण कुमार अरुमुगम पर, और जैसे चैलेंज ऑफ कोर्स देन कैटेगरी स्पोर्ट्स शुड से ओके आई एम सॉरी वी विल प्ले फिफ्थ, बट आई एम श्योर कैटेगरी स्पोर्ट्स विल बी सपोर्टिंग धनसेकर टू विन दिस, बिकॉज़ एनए एकेडमी विंस दिस नेलई गोस आउट एंड ऑटोमेटिकली कैटेगरी स्पोर्ट्स मेक इट टू द टॉप 4 अगेन. Ah, the ankle hold attempt was good, but the escape was even better. Number 55 out. स्टैनली की तारीफ करनी पड़ेगी नवीन, सब्स्टिट्यूशन से आकर जिस प्रकार से ये रेड लगा रहे हैं, और दूसरी बार उटीज गुडी सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी में उन्होंने इतनी कमाल की रेड लगाई। या जी, दे हैव सेड ओके धनसेकर टेक द बोनस गो बैक, वी विल अटैक भरत अन्नवी। सी स्टैनली पकेराज, आई थिंक ही इज अ रेडर, द वे ही हैज बीन रेडिंग is very good. See, when he double tie hold, that's a solo tackle from the captain today of NA Academy. It's Udi's goodie super tackle. Forget it, Stanley, you're not going to make it. That's the crocodile hold to support that double ankle hold. What a good assist from Dhanseker Academy. Harshit, yeah, give Dhanseker also some credit. Udi's goodie super tackle, as we said,
बिल्कुल चौथी वर्तब वहां पर ये टैकल आता हुआ नजर आया। उटीज गुड़ी सुपर टैकल और दोनों लेग्स पर यहां पर दोनों थाइज पर क्या शानदार अंदाज में जाते हुए नजर आए भरत। इज माय ट्रिप कबड्डी कमाल मोमेंट बिल्कुल है। इससे पहले उन्होंने एक सोलो टैकल सा किया था पी रजीत को, उससे भी शायद सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी थी। स्ट्रगल ऑन था, स्टैनली पूरा प्रयास कर रहे थे। गुड डिफेंडर एज वेल विनीत मुनचामी अनीस गजेंद्रन से, दैट इज द लाइनअप यू रियली वांट टू सी इन द टॉप फोर। बट टू अपसेट दैट वन Chennai Kings should inflict another all out, but here, yeah, this is the fifth super tackle. Double diving ankle hold this time, and that is coming from Deepak Sankar. Harshit, five super tackles, Ooties, goodies, super tackle again. Ranjit Mohan. किक लगाने की तैयारी कर रहे थे, जैसे मुड़े थे दीपक शंकर ने तुरंत डाइव लगाने की कोशिश कर ली। रंजीत मोहन को जरूर समझ भी आ गया था, पर वो समझ तब आया था, तब तक वो डाइव आ चुकी थी। दीपक शंकर अच्छा सपोर्ट भी भारत की तरफ से आया, वहां पर एम धनसेकर ने भी कहा कि चलिए पॉइंट्स गिवन अवे टू एनए एकेडमी एंड बिकॉज़ देयर विल बी द डू ऑर डाई रेड दैट विल कम इन फर्स्ट टू चेन्नई किंग्स। व्हाट दे विल हैव टू डू is probably go out there and tackle someone like this. Yeah, that's a good ankle hold. That is much better. This is something to be cheering for, because instead of three, they're going to be only two defenders now. So the defense doing their work. Stalin Alex. बेहतरीन टैकल वहां पर बहुत starts his rocketing raids. And that's going to be tough. And I'm sure Guhan will not be left behind. Now see who's there. Guhan is there. And I'm sure even Dinesh Kumar Krishnamurthy is on the mat. And I'm very sure even Dhanasekhar is on the mat. So three raid of format still exists. 6 points today for Guhan. And make that seven. Make that seven. That is 3 point a lead. And that's been minimized now for only three, only two. Come on. This is good. अच्छा प्रयास, बहुत ही अच्छा प्रयास वहां पर करते हुए नजर आए एनए एकेडमी के लिए। गुहान राइट कवर पर जिस प्रकार से टो टच किया, वो टो टच ने कमाल कर दिया था। इस बार हर रेड की तरफ प्रेडिक्टेबल नहीं हुए कि वो सिर्फ और सिर्फ राइट कॉर्नर की तरफ जाएंगे, राइट कवर, क्योंकि उन्हें पता है क्यों नवीन, उनके पास दो कारण है। एक तो ये कि कैरी फॉरवर्ड पॉइंट्स होने वाले हैं, जितने अंक यहां पर अभी आपके हैं वो आगे जाकर कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे। और बात अगर आपने टॉप फोर में है, अगर एक टीम ने आपको हराया, दूसरी वर्तव्य वापस बूस्टर राउंड में हराया, तो एक बूस्टर पॉइंट भी वहां पर अपोनेंट टीम को दिया जाएगा। स्टैनली चाहेंगे सबसे पहले बॉकलाइन को पार करें, क्या बॉकलाइन पार हुई है या फिर नहीं, बार बार प्रयास है नवीन, क्या ये मुकाबला सच में टाइम में समाप्त होने जा रहा है? क्यों और कोई रेडर नहीं गए, स्टैनली गए, स्टैनली ने बार बार प्रहार किया, बार बार प्रयास किया, डिफेंडर ने कहा कि स्वागत है आपका, ये मुकाबला वेलमल युवा कबड्डी सीरीज तमिलनाडु क्लब 2024 का पहला टाई। Yeah, what a way. This could have been the best ever match that we've all...